हेलो, आप सबका प्रणव सरोज चैनल में स्वागत है। कितना बोर हो गया है ना ये घर में बैठना। बच्चों, सारे इंडोर गेम्स खेल के ख़त्म भी हो गए है ना, तो चलो हम कुछ मैजिक सीखते हैं, वो भी मैथ्स में। हाँ, सही सुना आपने, गणित में जादू। आपको क्या करना है, अपने माँ को कहना है कि वो अपने मन में एक संख्या पकड़ ले। ओके, तो आपको माँ को क्या कहना है फिर से, कि उसे 3 से गुणा करे यानी मल्टीप्लिकेशन करे, फिर उसमें 1 ऐड करे। ओके, अब जो भी संख्या आएगी उसे भी 3 से ही गुणा करे, ऐसा माँ को कहना है। फिर अब जो संख्या आएगी उसमें जो माँ ने पहले मन में जो संख्या पकड़ी थी उसको ऐड करने को कहना है आपको। अब माँ हमें एक संख्या बताएगी, फाइनल आंसर। अब हमें क्या करना है, जो टोटल आई है उसमें से राइट साइड में जो यूनिट है वो हमें निकालना है, और जो बचा है वो आंसर है, मतलब जो संख्या माँ ने मन में ली है वो आंसर है। अब माँ तो चकित हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया। चलो दूसरे उदाहरण के साथ देखते हैं। समझो 50 माँ ने मन में ली है, उसे मल्टीप्लिकेशन बाय 3, आंसर आ गया 150, प्लस 1 करना है, आंसर आ गया 151, उससे भी मल्टीप्लिकेशन बाय 3, उसका आंसर आ गया 453। उसमें पहली संख्या ऐड करनी है 50, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 503। अब हमें ये राइट साइड का यूनिट निकालना है, बचा 50, ये मन में पकड़ी हुई संख्या है ना मज़ेदार, है ना सचमुच मैजिक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा आप बाहर खेलने को जाओगे तो अपने दोस्तों के साथ इसका भी मज़ा ले लो, उन्हें सरप्राइज दे दो। ओके, टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।